13 मेरा साथ रहे में आ गया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां पर सक्षम के पापा जाने वाले हैं सलाखों के पीछे। जी हां दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अब सक्षम के पापा को इसलिए सजा होने वाली है क्योंकि उन्होंने 20 साल तक गोपिका की मां को कैद करके रखा है, और अब कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि कातिल कोई और होता है। लेकिन यहाँ पर गोपिका की मां को बचाने के चक्कर में और इस प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में सक्षम के पापा ने बहुत बड़ा झूठ बोला है और बहुत ही बड़ी गलती कर डाली है 20 साल तक कैद करने की, जिसके लिए उन्हें सजा होगी। लेकिन जल्द ही गोपिका की मां सुभद्रा अब यहां से सच्चाई से पर्दा उठाएगी और उन्हें माफ कर देगी, क्योंकि वो उन्होंने बचाने के लिए उसको ये सब कुछ किया है, क्योंकि सुभद्रा पर लगा था केस, यानी कि सुभद्रा की याददाश्त जब लौटेगी तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा और सक्षम के पापा को छुड़ा लिया जाएगा। वहीं अब घर में देखने को मिलेगा कि जो भी बड़ी मुसीबत आई है वो तो टल ही जाएगी, लेकिन गोपिका इस प्रॉपर्टी में आधी मालकिन भी बन जाएगी। जी हां दोस्तों, गोपिका बनने वाली है मोदी ज्वेलर्स की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन। तो वहीं पर अब सुभद्रा पूरा केस वापस ले लेती है कि उसे लोग उन्होंने इसलिए कैद करके रखा था क्योंकि वो सबसे बचाना चाहते थे।